दूसरी बार सेक्स करने के लिए अपने पार्टनर को कैसे मनाएं, या फिर दूसरे राउंड के लिए उसे कैसे तैयार करें। देखिए, ये जो इच्छा है ना दूसरी बार सेक्स करने की, ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। दिक्कत देखो तब हो जाती है जब किसी एक को तो दूसरी बार सेक्स करने की इच्छा हो रही है, लेकिन जो उसका पार्टनर है वो अब मरे हुए सांप की तरह बेड पर लेट गया है, आसन पाटी लगा लिए और सोने की तैयारी में है। तो देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन कभी होती है तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर को मनाने की बजाय उसे उकसाना होता है दूसरी बार सेक्स करने के लिए। मनाओगे तो देखो अगला कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो संतुष्ट है और एक बार तो चलो वो मान भी गया, चीजों को करने के लिए रेडी हो भी गया, उसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो बस कर लेगा आपका मन रखने के लिए, लेकिन वो उत्तेजना उसको फील नहीं होगी। तो ऐसे में आपको उसे उत्तेजित करना है, उसे उकसाना है, क्योंकि अगर आप उसे उकसाने में कामयाब हो गए, मतलब आपने उसके अंदर वो तड़पन, वो हलचल दोबारा मचा दी और वो आपको एक बार दोबारा हासिल करने के लिए मचल उठा, बेचैन हो गया, तब बात बन सकती है। अब है कि इस चीज को किया कैसे जाए कि आपका जो पार्टनर है एक बार दोबारा आपको पाने के लिए, हासिल करने के लिए मचल उठे, तड़प उठे, सेकंड राउंड के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाए। तो देखिए, बात चाहे मेल की हो या फीमेल की, दोनों की ही बॉडी में कुछ ऐसे सेंसिटिव बॉडी ऑर्गन होते हैं जिन्हें आप चाहे एक बार छुओ, दो बार छुओ या बार बार छुओ, उनके अंदर करंट पैदा होता है, उत्तेजना उनके अंदर भरपूर पैदा हो जाती है, खासकर जब सेक्स का माहौल तैयार हो। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं भी है, तब भी आप अपने पार्टनर के उन सेंसिटिव बॉडी पार्ट को टच करके इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हो। और अगर बात देखो सेकंड राउंड में सेक्स करने की हो रही है तो माहौल तो पहले से ही बना हुआ है, तो आपको करना क्या है, अपने पार्टनर के उन उत्तेजित अंगों को टच करना है, उन्हें सहलाना है, उनको एक फीडर टच देना है, आपको खेलना है उसके अंगों के साथ, उसके ब्रेस्ट, उसके निप्पल्स, उसकी नेक, जितनी भी उसके जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट है उनके साथ आपको खेलना है, फीडर टच देना है, हाथों का स्पर्श करना है। और ध्यान रहे कि ये जो फोर प्ले आप करें वो पहले राउंड में जब आपने सेक्स किया था उस फोर प्ले से कहीं गुना ज्यादा गहरा और सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि वो एकदम से बेचैन हो जाए आपको पाने के लिए, उसे ऐसा लगे यार पहले मैंने सेक्स शायद किया ही नहीं है, हम तो स्टार्ट ही अब करने वाले हैं। देखो दोबारा बोल रही हूँ, भीख मांगोगे सेकंड राउंड के लिए अपने पार्टनर से तो कभी नहीं होगा। खासकर मैं ये पुरुषों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी वाइफ से मिन्नतें करते रहोगे यार कर ले सेकंड राउंड का, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, दोबारा कर लेते हैं, तो कभी नहीं होगा। लेकिन आप आफ्टर प्ले करते हुए, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद जो आप आफ्टर प्ले करते हो उसे करते करते आप उसे अगर फोर प्ले में बदल दोगे तो चमत्कार हो जाएगा, मतलब अगली को पता ही नहीं लगेगा कि यार मैं सेकंड राउंड के लिए तैयार भी हो गई और चीजें होना शुरू हो जाएंगी। बस आपके अंदर वो करिश्मा, वो जादू होना चाहिए आफ्टर प्ले को फोर प्ले में बदलने का। अब बात करते हैं फीमेल की, कि कोई फीमेल अपने पुरुष साथी को सेकंड राउंड के लिए कैसे तैयार करे। तो देखो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि ये जो एक आदमी नाम की जो चीज होती है, मतलब एक जो पुरुष होता है वो सेक्स करने के लिए शुरुआती टाइम में जितना फड़फड़ाता है कि यार करना है करना है, मतलब उसकी जो कामोत्तेजना होती है वो महज पल भर के लिए ही होती है, कंपैरिजन ऑफ फीमेल। एक औरत जितना ज्यादा टाइम उत्तेजित होने में लेती है उतना ही ज्यादा टाइम उसे पूरा होने में भी लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ठंडा होने में पुरुष के कंपैरिजन में ज्यादा समय लेती है। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक आदमी ही जो है वो ही फड़फड़ाए सेकंड राउंड के लिए कि मुझे सेक्स करना है दोबारा। कई बार कुछ फीमेल भी ऐसी होती हैं जिनका अंदर से मन होता है कि मैं दोबारा एक बार सेक्स को एंजॉय करूं, खासकर उन फीमेल को तो ज्यादा ही होता है जो अतृप्त रह जाती हैं, जिन्हें लगता है कि मैं अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई, तो ऐसे में वो अंदर से ललायत होती हैं कि मुझे एक बार और सेक्स करना है। अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जो अपनी इच्छा को बोल देती है, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो नहीं बोल पाती,
तो ऐसी औरतों को चाहिए कि अगर वो शर्मा रही है, झिझक रही है, अपने पार्टनर को नहीं बोल पा रही है, तो वो दूसरे तरीके अपनाए और अपने पार्टनर को अपने दिल की इच्छा सामने रखे। अब पता नहीं आप लोगों ने इस बात पे गौर किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक जगह तो मैंने ये बोला है कि भीख ना मांगे कोई आदमी अपनी औरत से, वरना दोबारा चीजें होंगी नहीं। और फीमेल को मैं ये कह रही हूं कि अगर उसको मन से हो रहा है कि मुझे सेकंड राउंड खेलना है, तो वो अपने पुरुष साथी को बोल सकती है बेझिझक। तो सोचा मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, अभी बताती हूं। तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि एक औरत की मेंटालिटी होती है नखरा करने की, उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है नखरा करना, हर चीज में आना कानी करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे अभी तो किया था, तब तो किया था, अरे ऐसे अरे वैसे। वो देखो नखरा दिखाएगी दिखाएगी, उसका स्वभाव है, फिर चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो। और अगर वो संतुष्ट हो चुकी है तब तो आपको नजरअंदाज करके सो भी जाएगी, ये बोलते हुए कि कल ले लेना, तुम्हारा तो रोज का काम है, अभी मुझे सोने दो, मुझे कल बहुत काम है। तुम्हारा क्या, तुम तो सोते रहोगे, बेड पे से उठोगे फिर मुझे बच्चों को भेजना है स्कूल, 10 काम है मेरे को, चलो छोड़ो अब सो जाओ, कल कर लेना। तो ऐसे करके वो नखरेबाजी करेगी और पलटी मार के सो भी जाएगी। तो ऐसे में देखो, अपनी वाइफ को बच्चों की तरह बोलकर उसे मनाना, जिद करना कुछ खास असर उसके ऊपर कर नहीं पाएगा। तो बेटर है उसे मनाने की बजाय उसे उकसाना शुरू करो, तरीके दूसरे अपनाओ, थोड़ा स्मार्ट गेम खेलो, उसके उत्तेजित अंगों को छूना शुरू करो, फीदर टच दो, इधर उधर हाथ लगाओ, उकसाओ उसे। लेकिन वहीं कोई अगर फीमेल जिसका मन होता है सेकंड राउंड करने का, तो उसके लिए मैं ये कहती हूं कि वो डायरेक्टली अपने हस्बैंड को बोल सकती है कि मुझे करना है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका ये जरा सा बोलना कि मुझे दोबारा मन कर रहा है, उसका जो हस्बैंड है सीधा इस चीज को, इस कही हुई बात को अपनी सेल्फ ईगो पर ले जाएगा। ये सुनते ही कि मुझे दोबारा से मन कर रहा है और सेकंड राउंड के लिए, उसका पौरस जाग उठेगा, ना चाहते हुए भी उसके अंदर यही चीज आएगी, लगता है कुछ कमी रह गई मेरी साइड से, मेरी वाइफ जो है वो सैटिस्फाइड नहीं हुई। भले उसकी वाइफ सैटिस्फाइड है, संतुष्ट है पूरी, बस उसका ऐसी मन कर रहा है दोबारा करने का, उसके बावजूद भी उसके अंदर यही आएगा कि नहीं मुझे करना है। तो आपका जस्ट बोलते ही वो तैयार हो जाएगा टन टन आके, अगर उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जेनिटल उसकी जो ऑर्गन है एकदम फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ही इज रेडी फॉर यू। देखो, उसे सेकंड टाइम करने में दिक्कत तभी हो सकती है अगर वो मानसिक रूप से परेशान है, मतलब दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मेंटल टेंशन है उसे कि उसने फर्स्ट राउंड तो कर लिया लेकिन दूसरे के लिए अब उसे मन नहीं कर रहा। और अगर ऐसा है, इस सिचुएशन को वो फेस कर रहा है और आप समझ गई हैं, तो मैं तो कहती हूँ आपको सेक्स भी नहीं करना चाहिए, ये फर्स्ट राउंड जो आपने किया वो भी नहीं करना चाहिए था, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ये जो सेक्स है, ये जो संभोग क्रिया है, ये दोनों का सिर्फ शारीरिक रूप से मिलन ही नहीं, मानसिक रूप से भी मिलन होता है। तो जब उसका दिमाग लग ही नहीं रहा है तो क्यों कर रहे हो, राइट? अब है कि अगर कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा शर्मीली स्वभाव की है, झिझकती है, अपने अरमानों को खुलकर बोल नहीं पाती या थोड़ा सा घबराती है अपने हस्बैंड से, तो वो सेकंड राउंड के लिए कैसे बोले? तो देखो, उनके लिए वही तरीके हैं जो कि मैंने हस्बैंड लोगों के लिए बताए, कि वो माहौल तैयार करें, उसके उत्तेजित अंगों के साथ छेड़खानी करें, मतलब इस तरह के तरीके वो अपनाए। तो आप भी ऐसा ही करें, अपने हस्बैंड के पीनस को उसके जेनिटल के जेनिटल जो एरिया है वहां पर आप टच कीजिए, टंग प्ले कीजिए, खेलिए उसके अंगों के साथ। ये जो थंब होता है मेल का, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसे मुंह में लीजिए, टंग प्ले कीजिए, किस कीजिए, सहलाइए इसे। अगर आपका जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा भी बुद्धि रखता है, बुद्धिमान है, चीजों को समझता है, तो समझ जाएगा कि आप क्या चाह रही हैं। तो इस तरह से आप उसका मूड बना सकते हैं, सेकेंड राउंड के लिए उसे तैयार कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड के लिए अपने पार्टनर को कैसे तैयार करें। होप्स आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।